Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. Okay, so let's talk about today's video. I am going to discuss about geology objective paper 2nd of BSc second year. So without wasting time, let's get started. Now, first question. The average rate at which a particular type of gene or protein evolves has given rise to the concept of options are protein alteration, molecular changes, molecular clock and molecular evolution. So, its answer is molecular evolution. Now, next question. Which organ shows the maximum similarity of functional pattern among vertebrates? कौन सा ऑर्गन शो करता है सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी फंक्शनल पैटर्न में ऑप्शंस आर हर्ट लंग्स ऑर्गन ओवरी एंड टेस्टिस तो आंसर इज दी लंग्स फर्टिलाइजन क्या है फर्टिलाइजन इज ऑप्शंस आर प्रोटीन है क्या वो लिपिड है ग्लाइकोप्रोटीन है या साइक्लिक एएमपी तो आंसर इज दी ग्लाइकोप्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन Metabolic activities of fertilized egg are activated by which chemical? जो fertilized egg होता है humans में उसकी metabolic activities को कौन activate करता है Options are cyclic GMP, cyclic AMP, ATP and creatine phosphate. तो answer is the cyclic AMP. Next question. In centrolecithal eggs, the usual type of cleavage is centrolecithal egg में usual type of cleavage कैसा होता है मतलब एक ऐसे eggs जिनके बीच में जिनके center में yolk रहता है उन्हें बोला जाता है centrolecithal eggs तो इनका cleavage कैसा होता है options are holoblastic, mesoblastic, spiral and superficial तो इसका answer होता है superficial next question The reproductive methods occurring among animals are animals में mostly किस method से reproduction चलता है options are sexual or asexual sexual budding and division answer is sexual and asexual most primitive respiration method was सबसे पुराना respiration method कौन सा है options are hydrogen oxygen anaerobic aerobic answer is the anaerobic The process of formation of male gamete के formation को बोलते हैं spermatogenesis, spermiation, spermatogeneration and sperm production. Answer is the spermatogenesis. Now next question. Development of an organism from an asexual body such as a bud, body segment spore is called. Options are embryogenesis, blastogenesis, cleavage and parthenogenesis. Answer is the पार्थिनोजेनेसिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लॉरिस ऑकर्स लॉरिस जो है वो एक तरीके का एनिमल है ये हमको मिलता है कहाँ पे ऑप्शंस आर इंडिया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ई इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूपी सो आंसर इज द इंडिया साउथ इंडिया में साउथ की साइड की लॉरिस जो है वो हमको देखने को मिल जाता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Marsupial wolf occurs in which part of wolf which part of world ये जो marsupial wolf है ये जो स्पेशल टाइप की वुल्फ है ये हमको वर्ल्ड के कौन से पार्ट में मिलती है ऑप्शंस आर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल एंड माल्या आंसर इज दी ऑस्ट्रेलिया ये जो मार्सुपियल वुल्फ है ये एक टाइप की ऐसी वुल्फ है जो हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलती है द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल मल्टी सेलर एनिमल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक ऐसी प्रोसेस जिससे सिर्फ एक ही सिंगल मल्टी सेलर एनिमल बनता है तो वो कौन सी प्रोसेस ऑप्शंस आर ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी एवोल्यूशन एंड ग्रोथ सो आंसर इज दी ऑन्टोजेनी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव दी थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी किसने ऑप्शंस आर मिलर एर्नेस्ट हैकल मॉर्गन एंड वीसमैन सो आंसर इज दी एर्नेस्ट हैकल द बर्ड दैट ऑकर्स इन न्यूजीलैंड ओनली एक ऐसी बर्ड जो हमें सिर्फ न्यूजीलैंड में ही मिलती थी ऑप्शंस आर ऑस्ट्रिच किवी बस्टर्ड एंड पीकॉक सो आंसर इज द किवी बिकॉज ये जो और ये जो बर्ड है वो अब एक्सटेंट हो चुकी है अब ये देखने को नहीं मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टू पॉपुलेशंस आर इंटरब्रीडिंग दे मे बी अगर दो पॉपुलेशन जो हैं आपस में इंटरब्रीड कर रही हैं तो वो हो सकती हैं
विद सिमिलर जीन्स, सेम स्पीसीज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. अगर दो पॉपुलेशन आपस में ब्रीड कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर सेम जीन्स प्रेजेंट हैं और वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करती हैं, इसीलिए वो आपस में ब्रीड कर रही हैं. सो आंसर इज दी बोथ ए एंड बी. ए माउंटेन चेन लाइक हिमालय हैज सर्व्ड एज ऑप्शन आर मीन्स ऑफ डिस्पर्जल, बैरियर, डिस्पर्जल एंड बैरियर एंड नन ऑफ दीज. एक माउंटेन चेन, हिमालय की तरह जो माउंटेन्स एक चेन में लगे होते हैं, वो काम करते हैं एक बैरियर का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्लीवेज फ्यूरो डिवाइड्स एनिमल पोल बट डज नॉट रीच द वेजिटल पोल, द टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड. एक ऐसा क्लीवेज फ्यूरो जो डिवाइड करता है एनिमल पोल को लेकिन वो वेजिटल पोल तक नहीं पहुंच पाता है, इस टाइप के क्लीवेज को कहा जाता है. ऑप्शंस आर होलोब्लास्टिक, सुपरफिशियल, मेरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल. सो आंसर इज द मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ आर्कियोलॉजिक एरा इज सेड टू बी हाउ मेनी मिलियन. ये जो ड्यूरेशन थी आर्कियोलॉजिक एरा थी, एरा की, ये कितनी थी, कितने ईयर्स ये रहा था. सो ड्यूरेशन ऑफ आर्कियोलॉजिक एरा इज ऑप्शन आर 1500, 2000, 2250 एंड 2500. सो आंसर इज द 2500. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्लीवेज फ्यूरो डिवाइड एनिमल पोल कंप्लीटली बट डज नॉट रीच वेजिटल पोल, दिस टाइप ऑफ एग विल बी. ऑप्शन है पॉलीलेसीथल, माइक्रोलेसीथल, मीजोलेसीथल एंड एलेसीथल. तो ये एक ऐसा क्लीवेज फ्यूरो है जहाँ पे वो एनिमल पोल को कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है लेकिन वो वेजिटल पोल तक पहुँच भी नहीं पा रहा है, तो इस टाइप के एग को कहा जाएगा पॉलीलेसीथल एग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड बिगिन राइजिंग इन. ऑप्शन आर्कियोजोइक, कैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक एंड पैलियोजोइक. तो जमीन बनना स्टार्ट हुआ था कौन से एरा में, तो आंसर इज द आर्कियोजोइक एरा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शुड बी इन विच सब रीजन. उत्तर प्रदेश को कौन से सब रीजन में होना चाहिए. ऑप्शन आर नॉर्थ इंडिया, इंडियन, हिमालयन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज द नॉर्थ इंडियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ मैक्सिको. नॉर्थ मैक्सिको इज प्लेस्ड इन विच जो जियोग्राफिकल रीजन. नॉर्थ मैक्सिको को कौन से जो जियोग्राफिकल रीजन में रखा गया. ऑप्शन आर न्यू ट्रॉपिकल, नियार्टिक, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन. सो आंसर इज द नियार्टिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिकुलर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन आर एज कम्पेयर्ड विद पैलियोंटोलॉजी. ऑप्शन आर मोर यूजफुल, लेस यूजफुल, इक्वली यूजफुल एंड यूजलेस. जो मॉलिकुलर एविडेंसेस थे एवोल्यूशन के, अगर हम कंपेयर करें पैलियोंटोलॉजी से, तो वो दोनों ही इक्वली यूजफुल थे. पैलियोंटोलॉजी के जो एविडेंस थे या जो एवोल्यूशन के एविडेंसेस थे, वो दोनों ही इक्वली यूजफुल थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स रोज टू ग्रेट वैरायटी ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा. मीजोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में हमें कौन से एनिमल्स मिले थे. ऑप्शन आर मैमल्स, रेप्टाइल्स, ओनली डायनासोर्स एंड बर्ड्स. आंसर इज द रेप्टाइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लासेंटल. इनमें से कौन सा प्लासेंटल मैमल नहीं है, कौन सा प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म नहीं है. ऑप्शन आर एलिफस, सस, फिनम्बुलस एंड एकाइडना. आंसर इज द एकाइडना. इन जूलॉजिकल टाइम्स मैमल्स ओरिजिनेट इन. ऑप्शन आर जुरैसिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस एंड टर्शियरी. मैमल्स जो थे वो कौन से एरा में आए थे, तो आंसर इज द ट्रायसिक एरा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थ्री कॉन्टिनेंट. ऑप्शन एलिफेंट्स, जगार, लाइन एंड लंग फिशेज. ऐसे कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग तीन कॉन्टिनेंट्स में हमको देखने को मिलती है, तो आंसर इज द लंग फिश. विच इज कॉल्ड एज एज ऑफ मैन. मैन की एज को क्या बोलते हैं जिसमें हमें मैन ज़्यादा दिखे थे, तो ऑप्शन आर रिसेंट अप्रोच, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, ऑलिगोसीन. आंसर इज द रिसेंट अप्रोच. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, दिस इज कॉल्ड. ऑप्शन आर एसेक्सुअल, पार्थिनोजेनेसिस, नियोजेनेसिस एंड बर्डिंग. अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है उस बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल शेप्ड सॉलिड ग्रुप ऑफ सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज इज. ऑप्शन आर मॉडुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ब्लास्टोसिल. आंसर इज द मॉडुला.
When a species begin to form a new species, the intermediate form is called gene. New species, subspecies and variable. Answer is the subspecies. Blastomers remain firmly adhered with each other. Blastomers आप में अटैच रहते हैं किसकी हेल्प से? ऑप्शंस आर हाइलन लेयर, जेल लेयर, एग कॉर्टेक्स एंड ऑल ऑफ द एबव. तो इसका आंसर हो जाएगा हाइलन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल फ्लूड फिल्ड कैविटी एनक्लोज्ड बाय ब्लास्टोडर्म. ब्लास्टोडर्म के अंदर सेंट्रल में कौन सी फ्लूड फिल्ड कैविटी रहती है और इसका नेम क्या है? तो ऑप्शन आर ब्लास्टोसील, एंट्रोसील, आर्गेंटोन एंड एंट्रॉन. आंसर इज द ब्लास्टोसील. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू कंपाउंड्स क्रिएटिन एंड अर्जिनाइन फॉस्फेट फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड आर यूजफुल फॉर ट्रेसिंग वर्टिब्रेट ऑरिजिन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ? ऑप्शंस एकाडामेटा, प्रोटोकॉल डेटा, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द दीज. नन ऑफ दीज. सो ये जो क्रिएटिन एंड अर्जिनाइन फॉस्फेट हैं ये हमें एकाडामेटा एंड प्रोटोकॉल डेटा दोनों में ही हमें देखने को मिल जाते हैं. सो आंसर होगा इसका क्या? बट हमें ये सिर्फ एकाडामेटा या प्रोटोकॉल डेटा में देखने को नहीं मिलते, ये हमें सभी मिल जाते हैं. सो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन प्रोवाइड्स ए बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. इट ऑकर्स इन. ट्रिप्सिन जो है वो एक बायोलॉजिकल एविडेंस शो करता है एवोल्यूशन का, और ये हमको मिलता है कहाँ पे? ऑप्शन है प्रोटोजोआ टू मैन, प्रोटोजोआ टू बर्ड, ओनली इन हायर वर्टिब्रेट्स, ओनली इन मैमल्स. आंसर इज द प्रोटोजोआ टू मैन. इन विच एम्ब्रियो द योल्क फिल्ड कैविटी बिलो डेवलपिंग एम्ब्रियो इज? ऑप्शन जर्मिनल कैविटी, सब जर्मिनल कैविटी, योल्क पूल एंड न्यूट्रिएंट बॉडी. आंसर इज द सब जर्मिनल कैविटी. हीमो एंडोथीलियल प्लासेंटा ऑकर्स इन. हीमो एंडोथीलियल प्लासेंटा कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ऑप्शन आर मैन, पिग, कैमल एंड टाइगर. आंसर इज द मैन. Hansen's node occur in the embryo development of which of the following? Hansen's node कहाँ मिलती? Options are chick, mammal, reptile, all of the above. Answer is the chick. The major activity associated with the gastrulation is blastocyst formation, endoderm formation, ectoderm formation, none of the above. So answer is the blastocyst formation. Which theory believes that species are mutable? कौन सी स्पीसीज ये मानती हैं कि स्पीसीज जो है वो म्यूटेबल होती हैं? स्पीसीज जो होती हैं वो आगे जाकर अपना एडवांस फॉर्म बनाती हैं, वो अपने आप को चेंज करती हैं. तो ऑप्शंस आर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. सो आंसर इज द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ डार्विन इज ऑप्शंस आर 1809 to 1882, 1807 to 1885, 1810 to 1883, 1810 to 1879. सो आंसर इज द 1809 to 1882. ये टाइम पीरियड था जिसमें डार्विन जो थे वो अर्थ पे रहे थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी वॉज पब्लिश्ड इन. ये सबसे ईजी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जॉलजी का. ये जो बिग बैंग थ्योरी थी पब्लिश हुई थी कौन से ईयर में? ऑप्शन 1950, 1951, 1949, 1953. सो आंसर इज दी 1950 ईयर में ये बिग बैंग थ्योरी जो थी पब्लिश हुई थी पहली बार. ओरिजिनल एटमोसफियर ऑफ अर्थ हैज मेड ऑफ. अर्थ का ये जो ओरिजिनल एटमोसफियर है एक्चुअल में बना हुआ है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या हीलियम का. तो अर्थ का जो एटमोसफियर है बना हुआ है हाइड्रोजन का. द नेम ऑफ ओरिजिनल सिंगल लार्ज मास इज कॉल्ड. ऑप्शन सा पेंजियो, पेंजिया, पेंगिया एंड पेंजन. आंसर इज द पेंगिया. ऑपरिन इज नॉन फॉर द थ्योरी ऑफ. ऑप्शन सा केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ स्पर्मिया, एवोल्यूशन एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो ऑपरिन को हम जानते हैं बाय द केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ. इन्होंने केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ दी थी. स्पेमेन ट्रांसप्लांटेड डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ऑफ वन एम्ब्रियो एंड अनदर एम्ब्रियो एंड डेट डेवलप्ड अनदर एम्ब्रियो. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डॉर्सल लिप? मतलब ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप से एक और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया. तो यहाँ पे जो डॉर्सल लिप पे काम कर रहा है किसकी तरह? ऑप्शन सर ऑर्गेनाइजर, कैटालिस्ट, इंड्यूजर, इनहिबिटर. आंसर इज द ऑर्गेनाइजर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली रिलीजियस थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की ऑरिजिन की सबसे रिलीजियस थ्योरी? ऑप्शन आर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पेशल क्रिएशन, केयरटॉपिज्म एंड ऑपरेंट व्यू. आंसर इज द स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. The process where one tissue of embryo effects the differentiation of another tissue. Options are repulsion, anti-inspiration, induction and instigation. एक ऐसी process जहाँ पे एक embryo के tissue जो हैं वो दूसरे embryo के tissue के differentiation को effect करते हैं, तो उसे कहा जाता है instigation. Next question. Which one of the following shows the maximum variation from as regard composition of cytochrome C? इसका आंसर क्या? ऑप्शंस आर डॉग, मंकी, लॉरिस एंड मोल्ड. आंसर इज द मोल्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स हमको मिलती है कहाँ से? ऑप्शंस आर जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, एंडोडर्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर हो जाएगा B1, एंडोडर्म. लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इज द व्यू ऑफ, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आई है. अब इस चीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. आंसर इज द बोथ ए एंड बी. Which condition yield better fossilization? कौन सी कंडीशन में फॉसिल्स जो होते हैं अच्छे से बन पाते हैं? ऑप्शन आर एनॉक्सिक, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड वार्म. तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब उस कंडीशन में फॉसिल्स जो हैं अच्छे से डेवलप हो पाते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा एनॉक्सिक. नाउ एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड टेस्टिस आर, टेस्टिस में कौन सी एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं? ऑप्शन आर सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, इंटेस्टियल सेल्स एंड सेकेंडरी स्पर्म सेल्स. सो आंसर इज द सर्टोली सेल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लार्ज फॉसिल स्पेसिमेन आर, जो लार्ज फॉसिल के स्पेसिमेंस थे वो कैसे होते हैं? सो ऑप्शन आर मैक्रोफॉसिल्स, मोर कॉमन, मोर डिस्प्लेड. So answer is the all of the above. Which part of a sperm is formed by mitochondria rich area of sperm tits? Sperm का ऐसा कौन सा part है जो बना होता है mostly mitochondria से? Options are neck, middle piece and distal tail, only neck and middle piece. Answer is the neck and middle piece. Now next question. If mold depression of an organism is filled with some minerals, the consequence is options are premineralized fossil, cast fossil, print fossil and stress. तो इसका आंसर हो जाएगा cast fossil. Now next question. Which is a vestigial organ in man? Man में कौन सा vestigial organ है? Options are eyelids, so, lacrimal gland, nictitating membrane and pinna. Answer is the nictitating membrane. Next question. बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, एक ऑर्गन की बायोलॉजिकल हिस्ट्री प्रेजेंट होती है. ऑप्शंस आर आरएनए में, एम्ब्रियोजेनेसिस में, एनाटॉमी में एंड डीएनए में. तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस. वन सेल थिक वॉल दैट एनक्लोज़ ब्लास्टोसीट इज कॉल्ड, एक ऐसी मतलब वन सेल की जो थिक वॉल है जो एनक्लोज करती है ब्लास्टोसील को उसे कहा जाता है. ऑप्शंस आर ब्लास्टोसिलिक वॉल, क्लीवेज वॉल, ब्लास्टो वॉल एंड ब्लास्टोडर्म. तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिलिक वॉल. कोकैक्स ऑफ मैन, मैन की जो कोकैक्स है वो क्या है? इज क्या वो वेस्टिजियल है, क्या वो रिमेंट्री है, क्या यूजफुल है, क्या वो एट्रोफिड है? तो जो मैन में जो कोकैक्स है वो वेस्टिजियल है. कोकैक्स जो होती है वो एक टेल बोन होती है जो अब मैन में रिड्यूस हो गई है. Which one of the following is the tissue of primate origin? Primate origin का tissue कौन सा है? So, options क्या है इसके? Options are Pliocene, Triassic, Recent and Eocene. Answer is the Pliocene. Which one of the following ancestors of man from Pliocene? मीन्स कौन से मैन के ancestors हैं? Ancestors हैं Pliocene से. Options are Neanderthal, Java ape man, Ordeopithecus and Paranthropus. Answer is the Paranthropus. Fossils of Homo habilis were discovered in which year?
कौन से ईयर में हमने होमो हैबिलिस के फॉसिल्स को डिस्कवर किया? द आंसर इज द 1979. नाउ विच वन इज क्लोजेस्ट टू होमो सेपियंस? होमो सेपियंस से क्लोजेस्ट कौन था? ऑप्शंस आर नियंडरथल और ऑस्ट्रोपिथेकस, जावामैन एंड क्रोमैग्नॉन. सो आंसर इज द क्रोमैग्नॉन. थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी जंप प्लास वॉज प्रपोज बाई ऑप्शंस आर मेंडल, लेमार्क, हैकल एंड वीजमैन. आंसर इज द वीजमैन. जेनेटिक वेरिएशन अराइज ड्यू टू कॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, एबरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड ऑल ऑफ द एबो. सो आंसर इज द ऑल ऑफ द एबो. इसका आंसर क्या होगा? इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा म्यूटेशन. इसका आंसर जो है वो म्यूटेशन होगा, ऑल ऑफ द एबो नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम मियोसीन हैड शॉर्टर फोर लिम्स देन हिंड लिम्स? ऑप्शन आर होमो, प्रोकॉन्सल, नियंडरथल एंड एप्स. आंसर इज द एप्स. हेरिटेबल म्यूटेशन अराइज, हेरिटेबल म्यूटेशन जो होती है अराइज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन जीन प्लाज्म, चेंजेस इन सोमेटिक जीन्स, एनवायरमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन. सो आंसर इज द चेंज इन द जीन प्लाज्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? ऑप्शन आर निक्टेटिंग मैमब्रेन, ग्लॉटिस, कोकेक्स एंड बॉडी ईयर. आंसर इज द ग्लॉटिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is associated with use and disuse of organs? Options are Darwin, De Vries, Cuvier and Lamarck. Answer is the Lamarck. The last extra embryonic to develop in the chick is? Iska answer kya hai? So options kya hai pe? Yolk sac, chorion, allantois and chorioepithelium. Answer is the yolk sac. Cells resulting from repeated cleavage of fertilized egg are called blastocysts, blastoderms, blastomers and medulla cells. Answer is the blastomers. A single cell called zygote after cleavage makes a condensed ball of cells called, options are medulla, blastula, cleaved ball and gastrula. Answer is the medulla. Which of the following has a vestigial hind limbs? Options are cobra, netrix, tyus and python. So answer is the python. Which of the extra embryonic membrane of chick develops villi-like structures? Chick ki kaun si membrane mein villi-like structures present hote hain? Options are allantois, chorion, amnion and yolk sac. So answer is the allantois. The chapter genesis in Holy Bible contains view of, options are spontaneous generation, special creation, catropism and none of these. So iska answer ho jayega special creation. लोरेंजो स्लानजानी वॉज फ्रॉम द विच कंट्री? लोरेंजो स्लानजानी जो कि साइंटिस्ट थे हैं, एक साइंटिस्ट थे एक, और ये कौन सी कंट्री के थे? ऑप्शंस आर इटली, फ्रांस, बेल्जियम एंड सर्डियाना. सो आंसर इज द इटली. व्हाट इज ए प्रियर रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो? एक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए क्लीवेज होना बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन आर लेमार्क, लिनस एंड स्लानजानी एंड पेशर. सो आंसर इज द स्लानजानी. हु वॉज द प्रोडक्ट ऑफ स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट अमंग दोज गिवन बिलो? ऑप्शन आर प्यूरिन, पिरामिडिन्स, सिंपल अमीनो एसिड एंड प्रोटीन. सो आंसर इज द सिंपल अमीनो एसिड. एलिफेंट्स ऑकर इन विच जो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड? ऑप्शन ओरिएंटल, इथोपियन, आर्कटिक, बोथ ए एंड बी. So answer is the Ethiopian. The subspecies will form a new species as when they stop interbreeding, form a dance and both A and B from new community. Answer is the both A and B. Genome of gorilla and human differ in how much percentage of DNA total? Answer is the 1.6%. How much time is taken by human egg to reach a four cell stage? Four cell stage तक पहुँचने के लिए कितने घंटे लगते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है, आंसर इज 24 to 32 hours. स्यूडोजीन्स आर, ऑप्शन आर जेनेटिक मटेरियल, एक्सेस पार्ट ऑफ जीनोम, नॉन फंक्शनल जीनोम. सो आंसर इज द ऑल ऑफ द एबो. लिटिल राइज इन टेम्परेचर कॉज ऑफ टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है? ऑप्शन इंक्रीज इन क्लीवेज रेट, डिक्रीज इन क्लीवेज, अनचेंज क्लीवेज फर्स्ट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज क्लीवेज. आंसर इज द इंक्रीज इन क्लीवेज रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर में हैव क्लोजली रिलेटेड ब्लड? क्लोजली रिलेटेड होता है हॉर्स में और एस में. ब्लड ऑफ मैन इज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आर मैकेक्यू, डॉग, लॉरिस एंड ओरैंगटन. सो आंसर इज द ओरैंगटन. Now next question, in meridional cleavage if fewer runs passes through animal vessel pole axis, passes through horizontal axis, above equator and below equator. So answer is the passes through animal vegetal pole. Next question,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फॉर अर्बोरियल लाइफ. आंसर इज द ऑप्शन आर रेट, स्क्वायल, स्नेक एंड फ्रूट बैट. सो आंसर इज द फ्रूट बैट. स्पेशल क्लीवेज ऑकर्स इन द ग्रुप ऑप्शन आर मोलस्का, स्ट्रेटा, नेमेटोडा एंड इंसेक्टा. सो आंसर इज द इंसेक्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मे नॉट बी इनहर्टेड. सो आंसर इज द वीजमैन. तो गाइज आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है. अगर वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.